बात अगर सिर्फ राम मंदिर की हो रही होती तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी का नेता इस तरीके की कुतर्क दे रहा होता, क्योंकि इस तरीके की कुतर्क देने की मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त कोई जरूरत है। अब आप ये सोचिए कि आप मंदिर का विरोध कर रहे हैं या फिर सिर्फ एक पार्टी का विरोध कर रहे हैं। ये बात सबको पता है कि बीजेपी जो है बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट करेगी, और इसमें एक अच्छी बात भी है कि अगर कोई अपने धर्म, अपने सनातन धर्म को अगर प्रमोट कर रहा है उस तरीके से, अगर मंदिर का उद्घाटन कर रहा है, और जहाँ तक बात आती है राम मंदिर की, तो सही बात है भाई, अयोध्या में हमारा राम मंदिर हमारे लिए एक प्राइड का विषय है। क्योंकि बात तो सही है कि ये मंदिर जो है सिर्फ अगले 5 या 6 साल तो नहीं रहने वाला जितने देर आपकी राजनीति चलने वाली है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ राजनीति के चलते जो है राम मंदिर पे ऐसे कुतर्क दे रहे हैं मानो कि इन लोगों का कभी पढ़ाई लिखाई से या फिर कभी ऐसे सोच से कोई वास्ता नहीं रहा हो। एक नेता ने ये कह दिया कि राम जो है मांसाहारी थे क्योंकि वो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय जो है मांसाहार करते हैं। अब इन बातों को जब आप ही सुनते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि ये बिल्कुल कुतर्क है? क्योंकि ये अगर खुद के बातों को सुनेंगे तो ये इनको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप ये सोचिए कि हमारा देश भारत जो है वो धर्म से चलता है, क्योंकि हमारे देश में धार्मिक मान्यताएं बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है और लोग उनको मानते हैं, और आप अगर ऐसी बातों को बोलेंगे तो किसी को ये अच्छा नहीं लगेगा, भले ही आपके अंदर किसी भी तरीके का लोगों के प्रति अच्छा भावना हो या फिर ना हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पता चलता है कि आप ये जो 5 साल की राजनीति है ना उसी के लिए बस यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जो एक ऐसा चीज़ बन रहा है जिसको कि अगले 5,000-10,000 साल तक शायद पूजा जाएगा। अब जरा इनके कुतर्क को कुछ तर्क समझाने की जरूरत है। आप जरा ये सोचिए कि श्री राम ने सबरी के बेर खाए थे, सबको पता है, और अगर सबरी इतनी बड़ी भक्त है तो उनको ये भी पता होगा ना कि श्री राम जी खाते क्या है। अगर उनको उनको लगता कि उनके देवता जो है कुछ ऐसा कुछ खाते हैं तो वो चीज़ नहीं खिलाती जो कि उनको बैर खिलाती। तो ऐसी चीज़ों को अगर आप बोलते हैं पब्लिक में तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बताता है, आपको ना तो किसी धर्म से मतलब है ना ही किसी और चीज़ से, बस आपको इससे मतलब है कि किस तरीके से लोगों के इसको विरुद्ध किया जाए। इसके बाद एक नेता बोलते हुए दिखाई दिए थे कि मंदिर की जरूरत है या फिर अस्पताल या फिर सड़क की। मुझे ये लगता है कि मंदिर और सड़क और अस्पताल तीनों की जरूरत है, आप किसी भी चीज़ को कम नहीं आंक सकते, क्योंकि आपको अगर चोट लगती है तो आप अस्पताल भी जाते हैं, साथ में ही जो है भगवान को भी याद करते हैं कि उनकी तबीयत जो है भगवान जल्दी से ठीक कर दे। एक हद तक कोई उपचार काम कर सकता है, लेकिन सबको पता है कि किसी एक लेवल पर जाकर के किसी एक पे भरोसा करना पड़ता है, और वो हमारे देश में तो भगवान ही है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि डेवलपमेंट का मंदिर से क्या रिश्ता नाता है। मुझे तो ये लगता है कि जितना ज्यादा डेवलप होगा कोई मंदिर, उतना ही ज्यादा कोई और भी चीज डेवलप हो सकता है। ये सीधी सी बात है, आप अगर किसी साउथ इंडिया में चले जाए तो आप वहां पर देखेंगे कि बहुत सारे मंदिर है, तो इसका क्या मतलब है कि साउथ इंडियन जो है वो बिल्कुल अनडेवलप्ड है? आपने देखा ही होगा कि जब से राम मंदिर वहां पर बनना स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद से वहां पर कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं, और साथ में कई सारे रोजगार भी आएंगे। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहां पर आपको प्रसादी देने वाले मिल जाएंगे, फूलमाला वाले मिल जाएंगे, तो ये भी एक तरीके का रोजगार है। और मैं नहीं ये मानता कि किसी मंदिर के आ जाने से कहीं का डेवलपमेंट रुक सकता है। और यही नहीं, कुछ नेताओं को तो आमंत्रण भी मिला तो आमंत्रण को ही अस्वीकार कर दिया और ये बात कहा गया। वो न्योता क्यों दे रहे हैं, किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है, कि ये क्या कोई किसी के पिताजी का श्राद्ध हो रहा है जो इसके लिए आमंत्रण दिया जाएगा? और कौन होते हैं किसी बीजेपी वाले जो कि आमंत्रण दें? आप जरा ये सोचिए कि इस तरीके का सोच अगर किसी राजनीतिक दल रखते हैं तो किस तरीके से भारत की जो शुरुआत से राजनीति चलती आ रही है कि पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में आकर के काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में भारत की राजनीति को उस दृष्टिकोण से कोई देख ही पाएगा कि कोई विपक्ष जो है पक्ष के साथ रह करके कोई काम कर रहा हो। श्री राम ने अपने समय में 14 वर्ष का वनवास झेला होगा, लेकिन आज के कलयुग में श्री राम 500 वर्ष का वनवास झेल करके आ रहे हैं, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अब मैं कभी ये नहीं सुनता कि किसी मस्जिद के बनने में किसी डेवलपमेंट का कोई रोक होता है, उस वक्त ये लगता है कि दोनों समुदाय को एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए। उसी तरीके से मुझे लगता है कि राम मंदिर अगर बन रहा है तो सबसे पहले जो समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं उनको सबसे पहले सामने आना चाहिए, तभी तो ये समझ में आएगा कि हाँ दोनों लोग मिलकर के काम करना चाह रहे हैं या फिर दोनों लोगों को एक दूसरे के धर्म के प्रति आस्था है। एक और कुतर्क आया था कि श्री राम को मंदिर की क्या जरूरत है, अगर वो चाहेंगे तो कितना बड़ा बड़ा महल बनवा सकते हैं। बात सही है, अगर वो चाहेंगे तो कुछ भी बनवा सकते हैं, मेरे ख्याल से वो चाह रहे हैं इसलिए मंदिर बन रहा है। और अगर आप अपने भी जीवन में देखेंगे ना तो आप अपने माता पिता के लिए बहुत सारा कुछ करना चाहते हैं, आप एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं, उनको हर तरीके की सुख सुविधा देना चाहते हैं। उसी तरीके से धर्मों में भी लोग जो है अपने भगवान को हर कुछ देना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मंदिर बनाना चाहते हैं ताकि जब वो वहां पर जाएं तो एक सुख शांति की अनुभूति हो, ताकि उनको अंदर से ऐसा लगे कि अगर भगवान ने उनको कुछ दिया है तो वो भी भगवान को एक अच्छा रहने का जगह दे पा रहे हैं।
हैं। और अगर भारत के अयोध्या में श्रीराम का मंदिर नहीं बनाया जा सकता है तो फिर ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर की मंदिर बनाया जा सकता है। आप चले जाइए बगल के बांग्लादेश में, आपको पता होगा कि जब आजादी जब हुआ था तो उस वक्त कितने हिंदू थे और अभी आप जाकर के देख लीजिए कि वहां पर कितने हिंदू है। तो अगर आप सिर्फ एक समुदाय के लिए भारत में खड़े रहना चाहते हैं तो आपको दूसरे समुदाय के लिए बाहर भी खड़ा रहना पड़ेगा। मैं तो मानता हूं कि अगर राम मंदिर के मुद्दे पर सारे राजनीतिक दल एक साथ आते तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी यहां पर कोई राजनीति कर पाती, साथ में ही सबको फायदा होता। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इनका विरोध जो है बीजेपी को ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है। अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं जरूर से नीचे कमेंट बताइएगा। क्या ऐसे लोगों के कुतर्क को लोगों को ध्यान में रखना चाहिए या फिर इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।